अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कुकिंग से थोड़ा हटके है। आज मैं आपको अपने कॉन्डो की फैसिलिटीज़ दिखाऊंगी जहाँ मैं रहती हूँ, तो चले चलते हैं। तो सबसे पहले ये पूल साइड का एरिया है। ये एरिया 7th फ्लोर पे बना हुआ है और ये एरिया मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इस साइड पे टोटल 3 पूल्स हैं, जिसमें ये वाला जो है ये सबसे बड़ा पूल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो सामने है ये बच्चों का पूल है और ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस पूल में छोटे छोटे फाउंटेन्स लगे हुए हैं और वो भी चलते हैं, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है तो फाउंटेन्स बंद हैं। अभी शाम में सारे फाउंटेन्स खुल जाते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। ये वाला जो है ये जैकूजी पूल है। मैं इस पूल में अक्सर आती हूँ। इसमें आने से मैं रिलैक्स फील करती हूँ और सारी थकन ख़त्म हो जाती है। इसके बराबर में बड़ा वाला पूल है जो इस कॉर्नर पे एंड हो रहा है। इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और वेल मेंटेन्ड है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग और फ्रेश फील होता है। सामने कुछ एक्सरसाइज मशीन्स हैं और इसके बिल्कुल साथ में जिम है, तो अब मैं जिम के अंदर जाती हूँ और मैं आपको जिम दिखाती हूँ। यहाँ पे ये कुछ मशीन्स हैं। ये कुछ एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे आप कोई भी एक्सरसाइज या एरोबिक्स वगैरह, योगा वगैरह आप आराम से कर सकते हैं। ये जिम 2 फ्लोर्स का है, तो अब मैं आपको इसका 2nd फ्लोर दिखाती हूँ। ये 2nd फ्लोर है। इस पूरे फ्लोर पे अलग अलग तरह की अलग अलग मशीन्स हैं। ये जो जिम है ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, तो यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। अब हम बैडमिंटन कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड रात में अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन खेलते हैं। इससे काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है उनकी। अब ये वाला जो पूल है ये 4th स्विमिंग पूल है इस कॉन्डो का,
और ये भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। इसके आगे छोटा सा मिनी गोल्फ बना हुआ है। गोल्फ के बिल्कुल बराबर में एक्वेटिक जिम है। इसमें भी कुछ एक्सरसाइज मशीन्स हैं। वैसे पानी में जिम करने से काफ़ी जल्दी वेट लॉस होता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे ये छोटा सा सिटिंग एरिया बना हुआ है और साथ में स्विंग्स भी रखे हुए हैं और यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू है। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये छोटी सी खूबसूरत सी क्रॉसिंग बनी हुई है। जो पहले आपको पूल दिखाया था वो यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूल कितना बड़ा है। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ बारबेक्यू एरिया में। तो ये देखें, ये पूरा बारबेक्यू एरिया है। यहाँ पे एक इवेंट हॉल भी है जहाँ पे आप इवेंट्स और बारबेक्यू पार्टीज़ वगैरह आराम से कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ में ही बच्चों का छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ है ताकि बच्चे भी इजीली खेल सकें। ये जो ब्रिज है ये कमर्शियल बिल्डिंग की तरफ जाता है और अब मैं आपको कमर्शियल बिल्डिंग दिखाऊंगी कि वहाँ क्या क्या है। तो हम कमर्शियल बिल्डिंग में आ गए हैं। ये ऑलमोस्ट मॉल की तरह बना हुआ है लेकिन अभी ये कॉन्डो बिल्कुल न्यू है तो यहाँ पे ज़्यादा शॉप नहीं खुली हुई हैं। यहाँ पे ये कमर्शियल बिल्डिंग का सेंटर पॉइंट है। लेफ्ट पे जो शॉप है ये छोटा सा मार्ट बना हुआ है। यहाँ से सारी छोटी मोटी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। अब हम पार्क की तरफ जा रहे हैं। सामने जो नज़र आ रहा है ये एक छोटा सा पार्क बना हुआ है।
यहाँ पे अरीशा को स्लाइड करनी थी तो मेरे हस्बैंड अरीशा के साथ उसे स्लाइड करा रहे हैं। तो ये थी मेरे कॉन्डो की कुछ फैसिलिटीज़ जो मैंने आपको दिखाई हैं। इसके अलावा कॉन्डो के मिड में भी एक फ्लोर है जो बहुत खूबसूरत है और एक बिल्कुल टॉप रूफ पे है। इंशाल्लाह मौका मिला तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।